हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सानिया बल्दिया के मुतासरीन को इंसाफ मिलने की उम्मीद। 250 से जायद इंसानों को जिंदा जलाने के वाकये का मुबैना मास्टरमाइंड हम्माद सिद्दीकी यूएई से पाकिस्तान मुंतकिल। हाई प्रोफाइल मुलजिम की हवालगी सिफारती चैनल से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के तहत अमल में आई। इंटेलिजेंस हुकाम आज हम्माद सिद्दीकी को अपने साथ लेकर आए। गांधी से अलगी के बाद एमक्यूएम का पहली बार हैदराबाद में सियासी पावर शो। फारूक सत्तार कहते हैं एमक्यूएम ने छोटा काम कभी नहीं किया। बातें बनाने वाले आज का जलसा देख लें। महाजरों को तीसरे दर्जे का शहरी बनाना पाकिस्तान के कयाम और रूह के मुनाफी है। इससे पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगा। सारा गेम एक तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जाती मुफादात की सियासत को कंटिन्यू करने के लिए और मेयरशिप और डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैनशिप हासिल करने के लिए रचाया गया। एमक्यूएम के एमएनए सलमान मुजाहिद बलोच भी कमाल के हो गए। पाकिस्तान हाउस में बैठकर फारूक सत्तार और पार्टी पर वार। एमक्यूएम का साथ देने पर आवाम से माजरत भी कर ली। मुस्तफा कमाल बोले एमक्यूएम पर चाइना का टिंकर के कब्जा किया गया। हैदराबाद जलसे में सिर्फ 2200 कुर्सियां लगाई गई। एमक्यूएम अगला इलेक्शन नहीं जीत सकती। लाहौर हाई कोर्ट की लाल बत्ती पर सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन सिग्नल, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को क्लीन चिट मिल गई। अदालती फैसले ने कौमी तरक्की की टूटी पटरी फिर से जोड़ दी। मंसूबे पर काम का दोबारा आगाज, पुराने लाहौर की जदीद ट्रेन जल्द सड़कों पर आने को बेकरार। लाहौर में दौड़ने के लिए ऑरेंज लाइन को पूरी करना होंगी 31 शराइत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कौमी विरसे के तहफ्फुज और तज़ीन और आराइश के लिए इकदामात, थरथराहट की जांच के लिए जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम का निफाज, मामलात की निगरानी के लिए दो कमेटियां भी तश्कील दे दी। जस्टिस मकबूल बाकर का फैसले में इख्तिलाफी नोट भी शामिल। पाकिस्तान ने ऑरेंज लाइन इजाजत दे दी गई है, इसमें सफर करेंगे लाहौरी भी, लाहौर लाहौर है और पंजाब वाले भी और पाकिस्तान वाले भी सफर करेंगे। अदालती सिग्नल पर खादिम आला पंजाब शहबाज शरीफ खुशी से निहाल, कहते हैं पिजारों में सफर करने वाली पीटीआई की अवामी मंसूबे की राह में रोड़े अटकाए। आज अवामी मफाद के मंसूबे को कामयाबी मिली। ऑरेंज लाइन मंसूबे से आवाम को आलमी मयार की सफरी सहूलतें मिलेंगी। ऑरेंज लाइन मंसूबे की नहीं बल्कि काम के तरीके कार की मुखालफत की थी। 1% आवाम के लिए 300 अरब खर्च किए गए। महमूद रशीद का प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में इंटरव्यू। तर्जमान पंजाब हुकूमत बोले 1 से 2 रोज में मंसूबे की तकमील के वक्त का अंदाजा किया जा सकता है। तुम्हें भी इंशाल्लाह हम जेल में पहुंचाएंगे और दूसरा शबाज शरीफ, ड्रामा शरीफ,
आपको जेल के अंदर पहुंचाएंगे, अटियाला के अंदर पहुंचाएंगे, आपको भी और नवाज शरीफ को भी। शहबाज शरीफ और राणा सना को अटियाला जेल पहुंचाकर दम लेंगे, इमरान खान का ऐलान। कहा, नए पाकिस्तान में इंसाफ होगा और कमजोर के हकूक की हिफाजत की जाएगी। अगर ताहिर कादरी बाहर निकले तो तहरीक इंसाफ उनके साथ चलेगी। कप्तान ने अवाम को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत भी कर दी। दो माह पहले इंतखाबात होने को कोई अपनी फतह समझे तो ये फतह उन्हीं को मुबारक हो। हालात ऐसे ही चलते रहे तो सीपैक मुतासिर हो सकता है। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई से इत्तेहाद करने वाले मौलाना समीउल हक अपने फैसले में आजाद। मुल्क में आम इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। जमहूरियत गई तो फिर कई साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबुल की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा फैसल वाधवा बोले, ताहिर कादरी, इमरान खान और आसिफ जरदारी एक कंटेनर में हो या तीन में, उनका मुतालिबा एक ही है। एटीएम हैकिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। एफआईए ने अहम मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक साकिबुल्ला एटीएम की तस्वीर भारतीय हैकर्स को देता था। आर्मी चीफ का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स कोयटा का दौरा। जेर तरबियत अफसरान और जवानों से मुलाकात। जनरल बाजवा को इदारे से मुतालिक ब्रीफिंग दी आईएसपीआर। मकबूजा बैतुल मकदस के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास। बरतानिया, फ्रांस, स्वीडन और मिस्र ने अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने अक़वामे मुत्तहिदा पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। नुमाइंदे खुसूसी निकी हेली कहती हैं, अमरीका इससे ज्यादा कभी अमन के लिए कोशा नहीं था। किसी रियासत का एक तरफा ऐलान फलस्तीनी सरजमीन के स्टेटस को तब्दील नहीं कर सकता। मकबूजा बैतुल मकदस फलस्तीन का दिल है, ये पहला किबला और हरम शरीफ है। फलस्तीनी मंदूब का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। तमाम ममालिक से एक तरफा फैसले को तस्लीम ना करने की अपील भी कर दी। अमरीकी फैसले ने गजा को आग में झोंक दिया। ट्रंप की आशीर्वाद के बाद इसराइली हुकूमत की मकबूजा बैतुल मकदस पर बमबारी और फायरिंग, एक फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। ट्रंप के फैसले पर पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत दुनिया भर में एहतजाज। आखिरी दम तक क़िबला अव्वल की हिफाजत का आज़म। तुर्की के मुल्तान रोड पर वाके टेक्सटाइल मिल में लगी आग, 7 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर, कसूर और उकाड़ा की 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। मेयर लंदन सादिक खान का कराची में पड़ाव, बानिए पाकिस्तान के मजार पर हाजिरी। वजीर आला सिंध से भी मुलाकात की। सादिक खान की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से गुफ्तगू। कहा, लंदन, दिल्ली और लाहौर सबके इकदार मुश्तरक और मुत्तहिद होने का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान, एक ही रोज में लगा दी 4.5 रुपए की छलांग। इंटरबैंक ट्रेडिंग में 110 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 108 रुपए 50 पैसे पर मौजूद। फैक्ट्री में 250 से ज्यादा अफराद जिंदा जल गए थे। इसी केस में गिरफ्तार अब्दुल रहमान उर्फ भोला ने बताया कि उसने हम्मा सिद्दीकी की हिदायत पर बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में आग लगाई थी। हम्मा सिद्दीकी, जिसके सर पर है 250 जानों का इल्जाम। 5 साल पहले बल्दिया फैक्ट्री को जलाने का जिम्मेदार हम्मा सिद्दीकी को समझा जाता है।
एमकेएम की तंजीमी कमेटी के साबिक इंचार्ज का कराची बदमनी में भी किरदार रहा है। फैक्ट्री को आग लगाने वाले अब्दुल रहमान और भोला ने भी एतराफ किया था कि इसने हम्माद सिद्दीकी की हिदायत पर आग लगाई। हम्माद सिद्दीकी पर सानिया आशूरा और शहर में टारगेट किलिंग टीम चलाने का इल्जाम भी है। हम्माद सिद्दीकी 4 साल तक बैरून मुल्क रूपोश रहा, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद इसे मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। 11 सितंबर 2012 को जो आग बल्दिया फैक्ट्री में लगाई गई उसकी चिंगारियां आज भी जां बहक होने वालों के लवाहिकीन के सीनों में सुलग रही हैं। 5 साल बाद भी उनके कलेजे ठंडे नहीं हुए। कराची का इलाका बल्दिया टाउन, जहां वाके है ये अली इंटरप्राइजेज फैक्ट्री, सूरज ढलने वाला है। अचानक फैक्ट्री में आग के शोले बुलंद होते हैं जो चंद लम्हों में खौफनाक शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। एक मुनज्जम मंसूबाबंदी के तहत फैक्ट्री के दरवाजे ताले लगाकर बंद कर दिए गए हैं। खिड़कियों पर लोहे की ग्रिलें लगी हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अंदर फंसे मेहनतकश, जिनमें खवातीन भी हैं, खौफनाक आधा जल रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर अपने जिगर के टुकड़ों को जिंदा जलते देखकर वालदैन धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। आग रात भर जलती रहती है और 260 जिंदा मेहनत कशों को निगल लेती है। इस मुकदमे की तफ्तीश हो रही है, लेकिन अभी तक किसी मुजरिम को सजा नहीं मिल सकी। 6 फरवरी 2015 को रेंजर्स ने अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई और ये इंकशाफ किया कि फैक्ट्री मालिक से 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था। दहशतगर्द रहमान और भोला ने केमिकल फेंक कर आग लगाई थी। फैक्ट्री की आग तो बुझ चुकी, लेकिन जां बहक मेहनत कशों की माओं के सीने में आज भी गम की चिंगारियां सुलग रही हैं। वो कातिलों को तख्ताए दार पर लटकता हुआ देखना चाहती हैं, लेकिन इंसाफ में ताहाल ताखीर है। मुस्तफा कमाल, जो कभी खुद भी एमकेएम का हिस्सा थे, अब कहते हैं कि लोग जौक दर जौक उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कराची में सलमान मुजाहिद बलोच की पीएसपी में शमूलियत के मौके पर उनका कहना था कि मुत्तहिदा अगला इलेक्शन किसी सूरत नहीं जीत सकेगी। उन्होंने एमकेएम पर चाइना कटिंग का भी इल्जाम आयद किया। मुआजरो, हैदराबाद में जलसा हो रहा है एमकेएम का, इससे पहले कराची में जलसा हुआ एमकेएम का, साबित क्या करना चाह रहे हैं? अवामी हिमायत तो वो साबित करते हैं जलसे से जो पार्लियामेंट में नहीं होते। हाँ, आपको शक नहीं, यकीन है कि आपने चाइना कटिंग करके एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब की पार्टी पे चाइना कटिंग करके अपनी पार्टी बनाई है। एमकेएम को यकीन है कि उन्होंने 2018 में या जब भी इलेक्शन होंगे, उन्होंने ये इलेक्शन जीतना नहीं है। हैदराबाद का मेयर जो कि अमेरिकन नेशनल है, उसने 41 करोड़ रुपए की करप्शन की है 1.5 माह के अंदर। पीने का साफ पानी घर में हैदराबाद में आ नहीं रहा, और करोड़ों रुपए की जो है वो सजावट और ये झंडियां ठेके देकर, कारकुन तो है नहीं, ठेका दिया गया कंपनियों के मजे आ गए, झंडे लगाने वाली कंपनियों के मजे आ गए। यहाँ पर कराची में मुआजरों को बैठकर कह रहे हैं कि मुआजर सूबा बनाएगा, और वहाँ हैदराबाद में बैठकर कह रहे हैं मैंने मुआजर सूबे की तो कभी बात ही नहीं की। कहते हैं वक्त इंसान को बदल देता है, लेकिन इतना जल्दी बदल देता है इसकी मिसाल खुद एमकेएम के साबिक रहनुमा सलमान बलोच हैं, जो कल तक खुद को मुत्तहिदा पाकिस्तान का लाजिम मलजूम हिस्सा समझते थे, तो आज अपने माजी पर अफसोस करते हुए अपनी डोरे पीएसपी के साथ जोड़ ली। उनके माजी और हाल के बयान आप खुद ही सुन लीजिए। एमकेएम का हिस्सा हूँ जनाब, एमकेएम मेरी है, एमकेएम कारकुनों की है, एमकेएम जो है वो 98% आवाम की है। कारकुनों का फैसला है, आवाम का फैसला है। सलमान मुजाहिद एमकेएम का हिस्सा था, एमकेएम का हिस्सा है। 22 अगस्त 2016 के बाद ये हिदायत दी, ये तौफीक दी कि मैं हक और सच के काफिले में आज शामिल हो रहा हूँ। मौलियत का ऐलान करता हूँ पाक सरजमीन पार्टी में। आज तक जो खताएं हुई, जो गुनाह हुए, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला माफ फरमाए, और माजरत भी करता हूँ। जी मैं एमकेएम नहीं छोड़ा, ना मैं एमकेएम को छोड़ के कहीं जा रहा हूँ। तो कारकुनों की और आवाम की आवाज है जनाब। तंजीम स्ट्रक्चर पे एमकेएम पे कोई काम नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन पे एमकेएम में कोई काम नहीं हो रहा, सिस्टम को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। सलमान मुजाहिद वो है जो 11 मार्च के छापे के बाद भी खड़ा रहा और पार्टी को डिफेंड करता रहा, 22 अगस्त के बाद भी खड़ा रहा, डरा नहीं किसी से, खौफ किसी से नहीं खाया। और कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा आना। हाँ, ये है कि मुझ में खुशामद की आदत नहीं है।
फारूक सत्तार ने पीएसपी का नाम तो नहीं लिया लेकिन जी भरकर तनकीद के तीर बरसाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह ने वाज़ेह कर दिया कि उनका मुकाबला किसी जमात से नहीं बल्कि प्रोपेगेंडे से है। हैदराबाद में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि सिंध की गाड़ी उर्दू बोलने वाले पहिए के बगैर नहीं चल सकती। लोग तकसीम का दावा करें, हाँ सियासत करने वाले शायद तकसीम हो जाए लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट बैंक उसका एक ही धड़ा है और वो धड़ा एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ है। पहले जितने जलसे 2015 के इलेक्शन में भी शायद इतना बड़ा जलसा हैदराबाद में नहीं हुआ जितना बड़ा जलसा आज हैदराबाद में हो रहा है। हमने 9 सालों से हम वफाक को 70% का टैक्स देते हैं सिंध के शहरी इलाके और सूबे को 85% का टैक्स देते हैं, मरकज से 4% भी हमें नहीं मिलता। ये वडेरों और जागीरदारों को भी समझना है और सिंध के मासूम आवाम को कि सिंध की गाड़ी के दो अहम और बड़े पहिए हैं। एक उर्दू बोलने वाला तबका और दूसरा सिंधी जबान बोलने वाला तबका। ये दोनों पहियों में अगर जान होगी, दोनों चलने के काबिल होंगे तो ये गाड़ी चलेगी। एक पहिए पे सिंध की गाड़ी नहीं चल सकती। उधर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने खुलकर मुस्तफा कमाल के इल्जामात का जवाब दिया और कहा हमारी सफों में चाइना कटिंग वाला कोई नहीं। दुबई से जो पैराशूट के जरिए उतरे उनके दाएं बाएं चाइना कटिंग वाले होते हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि सलमान मुजाहिद बलोच को मुत्तहिदा ने ठोकर मारकर भगाया था। हमारी सफों में कोई चाइना कटिंग करने वाला नहीं है। तुम दुबई से आए थे पैराशूट के जरिए और जिनके सहारों पर जिनकी गोद में बैठकर आए थे उन्होंने भी अब तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। इन दिनों में देखेंगे कि यहाँ पर लाइन लग जाएगी कि जो एमक्यूएम को छोड़ के गए थे वो वापस अपने घर पर आएंगे। तुम एक आध आदमी को ले जाकर ये कहते हो कि विकेट गिर गई, सलमान मुजाहिद बलोच को तो हमने पहले ही पार्टी से निकाल दिया था, उसको तो पहले ही धुतकार दिया था, ठोकर मार के भगा दिया था और इस तरह के और लोग भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। वो कहते हैं एमक्यूएम चाइना कटिंग करके बनाई गई है। शर्म नहीं आती कि मौसूफ जब बात करते हैं तो दाएं और बाएं चाइना कटिंग के सबसे बड़े मास्टर बैठे होते हैं उनके। और सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने पाक सरजमीन पार्टी और मुस्लिम काफ से राबते किए हैं। मुस्तफा कमाल आज जबकि चौधरी बरादरान कल ताहिर उल कादरी से मुलाकात करेंगे। लीग नून के खिलाफ सफबंदी को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी आजकल काफी मसरूफ हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल से फोन पर राबता किया और पैट के मौकफ का साथ देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। ताहिरुल कादरी ने मुस्तफा कमाल को लाहौर आकर मुलाकात की दावत दी जिसे कबूल करते हुए मुस्तफा कमाल अपने वफद के हमरा मिनहाजुल कुरान में ताहिरुल कादरी से मुलाकात करेंगे। सरबराह अवामी तहरीक ने चौधरी शुजात से भी फोन पर राबता किया और उन्हें मुलाकात की दावत दी। चौधरी शुजात और परवेज इलाही इतवार को ताहिरुल कादरी से मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने भी ताहिरुल कादरी का साथ देने का ऐलान कर दिया लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर ताहिरुल कादरी सड़कों पर आए तो वो साथ देंगे। जलालाबाद में जलसे से खिताब में उनका कहना था कि मॉडल टाउन में बेगुनाह अफराद को मारा गया, राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को हर सूरत जेल जाना होगा। मॉडल टाउन में 3 साल पहले 14 पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल किया गया, 80 लोगों को गोलियां मारी गई। ताहिरुल कादरी आज मैं तुम्हें यहां से पैगाम दे रहा हूं कि
कि हम आपके साथ निकलेंगे, जो भी आप करना साथ करेंगे। पहले राणा सनाउल्लाह, तुम्हें भी इंशाल्लाह हम जेल में पहुंचाएंगे, और दूसरा शहबाज शरीफ, ड्रामा शरीफ, शहबाज शरीफ, ये तुम्हारा भी वक्त आ गया है। इंशाल्लाह हम उन 14 लोगों को जो कत्ल किया, हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े होंगे। हम सारे पाकिस्तानियों को साथ मिला के इंशाल्लाह आपको जेल के अंदर पहुंचाएंगे, अडियाला के अंदर पहुंचाएंगे, आपको भी और नवाज शरीफ को भी। आसिफ जरदारी का डांस याद है, पब्लिक इतनी आ गई कि आसिफ जरदारी को जोश चढ़ गया डांस करने का, या उनको किसी ने पानी की बोतल में पता नहीं पानी ऐसा पिला दिया कि उनको डांस करने का शौक आ गया। इसराइल बनने की सबसे बड़ी मुखालफत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है। इंशाल्लाह मुसलमान दुनिया उसके इस कदम की वजह से इकट्ठी हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी की ताहिरुल कादरी से मुलाकात पर तनकीद की और कहा कि उन्हें यह नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी इतनी जल्दी यतीम हो जाएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। आसिफ जरदारी साहब जी वो गए हैं ताहिरुल कादरी साहब के घर में, मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बेसहारा और यतीम हो चुकी है। मसला उसूली तौर पर पार्लियामेंट में हल हो चुका था, तो वो भी सिमट कर अफराद तक आ गया कि फलां फर्द को इस्तीफा देना चाहिए और फलां फर्द के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी के कुछ असरात अभी भी बाकी हैं, चल रहे हैं। हमारा मुल्क अब बहरानों का मुतहम्मिल नहीं है, सीपैक जो है वो भी मुतासर हो सकता है इन हालात में। 4.5 साल पूरे करने के बाद अब मजीद बकिया जो 5 या 6 महीने रह जाते हैं, अगर उसमें से अगर 1-2 महीने कोई काट लेता है और फिर उसको वो अपनी फतह समझता है, तो ये फतह फिर उनको मुबारक हो। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबूल को तो मुल्क में इलेक्शन होते नजर ही नहीं आ रहे। आज न्यूज के प्रोग्राम में रूबरू में बात करते हुए उनका कहना था कि अगर कोई उबूरी हुकूमत आई तो हो सकता है वही चलती रहे, एक बार जमहूरियत चली गई तो 65 साल की उम्र वाले शायद उसे दोबारा अपनी जिंदगी में ना देख पाए। आपको ये सोचना चाहिए कि पहले पाकिस्तान, और खुदा ना ख्वास्ता अगर ये जमहूरियत गई तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा 9 साल क्रॉस कर जाएगा। जमहूरियत के बग़ैर पाकिस्तान 9 साल रहा है, जमहूरियत के बग़ैर रहना पड़ेगा, फिर सबको जो है ना जमहूरियत, सबकी एज मेरे ख्याल में 65 क्रॉस कर गई है, तो फिर उनकी उनकी हयाती में इलेक्शन नहीं होगा। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉडल टाउन वाला जो सानिया है, उस वजह से शहबाज शरीफ जो है अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देगा